राम मंदिर पर फैसले से पहले आया शिवसेना का बयान, बोली हमने सरकार से नमस्कार, 9 नवंबर को अयोध्या विवाद का हल होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट शनिवार को इस मामले पर फैसला सुनाने जा रहा है। इस फैसले का पूरा देश दशकों से इंतजार कर रहा है। पहले से फैसले के मद्देनजर कोर्ट ने यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को परख लिया है और फैसला सुनाने जा रही है। वहीं राम मंदिर पर फैसले से ठीक पहले शिवसेना ने चुप्पी तोड़ दिया। पार्टी की तरफ से बड़ा बयान आ रहा है। विवाह से पहले उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, दोनों ही राज्यों के सीएम अलर्ट हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक कर कई फैसले ले लिए हैं। इनमें 3 दिन तक सभी स्कूल बंद कर दिया गया, लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश में फैसले के दिन सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद से शराब की दुकानों पर तालाबंदी रहेगी। अयोध्या विवाद पर फैसले से ठीक पहले शिवसेना का बयान आया। एक प्रेस नोट जारी कर शिवसेना ने कहा कि हमने सरकार से राम मंदिर को बनाने को लेकर कानून के निर्माण की अपील की थी। हालांकि मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। शिवसेना ने कहा कि अब जब उच्चतम न्यायालय का आदेश आ रहा है तो मोदी सरकार को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए।